का जनपद दिनांक 30 सितंबर 2023 को थाना खुडारे क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जगन्नाथपुर स्थित पंपापुर जंगल के पास एक अधजली महिला का शव प्राप्त हुआ था। सूचना पर उच्चाधिकारी गढ़ों द्वारा डार्क स्क्वाड एवं फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल की जांच की गई थी। शव की शिनाख्त मीना देवी के नाम पर हुई थी। मृतका की पुत्री के द्वारा थाना खुडारे में तहरीर देकर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना खुडारे पुलिस द्वारा जुराग गसी कर घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त भगवान दीन को आज दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को चंद्रदीप घाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त झाड़ फूक का काम किया करता था। झाड़ फूक के बहाने अक्सर अभियुक्त मृतका के घर आया जाया करता था। फरवरी 2023 में मृतका अभियुक्त भगवान दीन के साथ अपना घर छोड़कर चली आई थी और उसी के साथ रहती थी। अभियुक्त भगवान दीन मृतका से गलत काम करवाना चाहता था। महिला के मना करने से भगवान दीन क्षुब्ध हो गया था और इसी बात के चलते भगवान दीन द्वारा सुनियोजित तरीके से महिला को पंपापुर जंगल के पास ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव की शिनाख्त न होने हो पाए, इस कारण महिला को जला दिया था। जनपद गोंडा थाना खुडारे अंतर्गत कुआनों के जंगलों में 30 सितंबर को एक महिला की डेड बॉडी की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल जीओ मनकापुर और हमारे इंस्पेक्टर खुडारे वहां पर मौके पर पहुंचे, फील्ड यूनिट पहुंची, डॉग स्क्वाड को भेजा गया। डॉग स्क्वाड ने पता लगाया कि एक जगह और जिले के कागजात और पड़े हुए हैं। डॉग स्क्वाड की सूचना के आधार पर जो कागज मिले तो उससे मिला तो एक दिन लग गया, करीब 24 घंटे में महिला कौन है इसका पता लगाने में ये जानकारी मिली कि ये महिला करीब 35 वर्षीय महिला आज सुकैया सुसरी गाँव पड़ता है थाना इटवा सिद्धार्थनगर वहाँ की रहने वाली है। और तो कागज और वहाँ के मिले भवानीगंज थाना सिद्धार्थनगर में है, सिद्धार्थनगर में तो उसके आधार पर पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई, जानकारी की गई तो ये पता चला कि ये जो है ये जो महिला है ये 35 वर्षीय महिला है। इसके पति कहीं बाहर नौकरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। जानकारी ये मिली कि ये मानसिक रूप से बीमार रहती होगी तो ये भगवान दीन नाम का आदमी है जो भवानीगंज थाना का रहने वाला है। तो ये जो झाड़ फूक का काम करता होगा जिसको ये महिला मौसा बोलती थी तो ये मौसा अब इसके घर में जाके कई बार झाड़ फूक का काम किया होगा। झाड़ फूक के बहाने इसको छोचा शरीफ ले गया था। वहाँ पर पिछले साल घर परिवार लोगों को जानकारी हुई, उसको अपनी पत्नी की तरह रखने लगा था। घर परिवार के लोगों को जानकारी हुई तो ये इसको जो है किसी तरह से महिला को लेके चले गए थे। फिर ये बहला फुसला के उसको अभी फरवरी के महीने से फिर अपने कब्जे में कर लिया था। अभी थे भगवान दीन तो पत्नी एक्सपायर हो गई है तो ये रिश्तेदारों में नातेदारों में कहीं इसको पनाह नहीं मिल रही थी। तो एक दिन जंगल में रुका था रात में ये, और इसके बाद सुबह जो है कोई ऐसी बात है उसको बताया, जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि मैंने ऐसा काम कहा तो उसने मना कर दिया तो उससे मैंने गला दबा दिया। और फिर जब गला दबा दिया तो उसी के कपड़ों से उसकी आग लगा करके मैं चलाया था। तो ये पूछताछ से जानकारी मिली है। फिलहाल जो भी ये इसमें पर्याप्त संसाध संकलन किया गया है, भगवान दीन को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें जो उसको इसका जो मृतका थी उसका अंतिम संस्कार कल राप्ती नदी के घाट में कराया गया है, परिजनों के द्वारा किया गया है। और इसमें और जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।